इब्तदाई इश्क है मेरी जान, आगे आगे देखो होता है क्या। दोबारा एवरी वेडनेसडे फ्रॉम 20th October। बेमोल वफा थोड़ी देर के लिए तुझे ड्रामा करना पड़ेगा कि तू उम्मीद से है। सबकी जिंदगी अजीरन बना रखी है आपने। बकवास बंद करो नहीं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा मैं। शहजीन अगर तुम हमेशा के लिए आ गई हो ना वापस मैके तो अपने हाथ में जरा हिला लो, समझ आई तुम्हें? तुम भी मेरी एक बात गौर से सुन लो, तुम मेहमान नहीं हो इस घर, घर के काम काज संभालो। अजाब हो गई है मेरी जिंदगी में, सारा वक्त अपने भाई को तारिक को अपने पास बिठाए रखती है। पता नहीं कब वो यहां से जाएंगी, मेरी जिंदगी में कुछ सुकून आएगा। अरमान मेरे ना पूरे हुए, पैसे मेरे जदों दे डूब गए। How are you, जाने मन? थक गया हूँ आज। क्या घूर रही है? हाँ? और आज तो बड़ी तैयार हुई, मेरा इंतजार कर रही थी। ये आपने अपना क्या हाल बनाया है? और वैसे भी आपको मेरी क्या फिक्र? सारा वक्त तो आप अपनी बहन के साथ बैठे रहते हैं। तुम्हें मेरी बहन से मसला क्या है? कितनी बार तुम्हें बुलाया? तुम मेरी बहन को बीच में मत लाया कर। मैं उन्हें बीच में नहीं लाती हूँ, वो पहले से ही हमारे बीच में मौजूद हैं। अगर उन्हें इतना मसला था तो फिर आपकी शादी क्यों करवाई? रखती है आपको सारे वक्त अपने साथ। बंद कर तू। मैं ऐसा हाल करूंगा ना कि सारी जिंदगी बोलती बंद ही रहेगी। क्यों ना बोलूं मैं शादी क्यों की थी फिर मुझे चार दीवारी में बंद रखने के लिए? तो सुन, तुझे पता है मैं क्यों लेकर आया? क्योंकि तुम मेरी और मेरी बहन की खिदमत करे। और तुम मेरा एहसान क्यों नहीं मानती कि तुझे मैं घुमाता हूं फिराता हूं, ये अच्छे अच्छे गिफ्ट देता हूं। और क्या चाहिए तुझे? हाँ बोल। मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है नूरी? अपनी ना औकात मेरा, वरना एक दिन ऐसा हाशर नशर करूंगा तुम्हारा कि पूरा मोहल्ला देखेगा, समझ रही है? Don't cry. Nuri, इधर आओ। सुन। इधर आओ। ये मेरे जूते तो उतार दो। उतारो उतारो। गुड, शाबाश नूरी, शाबाश 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 नूरी। Yeah.
नाजर के तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे। नाजी ने पूरी तरह इसे काबू में कर लिया है। मुझे जल्द अज जल्द अपने सारे मसले हल करने होंगे। कल ही वकील से मिलता हूं, शहजीन के तलाक के पेपर्स बनवा के उसे इस कैद से निकालूंगा और किसी अच्छी जगह अपनी बेटी की शादी करा दूंगा। इसके अलावा मुझे घर के पेपर्स भी दोबारा बनवाने होंगे। शहीर को आख कर दूंगा और शहजीन और आजर को बराबर का हिस्सा दे दूंगा। बेटा तुम्हें याद है ना वैक्सीनेशन के लिए लेके जाने हमजा को आज? हाँ तो मैं ले जाऊंगा इन लोगों को, घर ड्रॉप कर दूंगा वापस। नहीं भाई हमें तो बहुत देर लगेगी, आप लेट हो जाएंगे। जी भाई हानिया बिल्कुल ठीक कह रही है, आप परेशान ना हो, गाड़ी तो है घर पे, हम दोनों में से कोई भी ड्राइव कर लेगा। चलो ठीक है। और हाँ बेटा वो मार्केट भी तो जाना था तुमने। जी लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं वापस आके हमजा को घर छोड़ के फिर ही जाऊँ। चलो ठीक है लेकिन प्लीज आज सारी शॉपिंग खत्म कर लेना, टाइम नहीं है हमारे पास, सब निपटा लेना आज। जी पप्पू बस थोड़ी सी चीजें रह गई हैं, आज जाके हम लोग ले लेंगे। चल। वैसे भाई अगर आप पहले मेरी बात समझ जाते तो शहजीन भी शादी में शामिल हो जाती। तुम्हें कुछ ज्यादा ही खुशफहमी नहीं हो रही शहजीन के बारे में? देखो ये जरूरी नहीं है कि मैं बात करूं और वो मान जाए। अरे ये मैं क्या सुन रही हूँ, हमाद साहब राजी हो गए शहजीन से बात करने के लिए? जी मैंने समझाया है भाई को। ये जो दादी माँ बैठी है छोटी सी, इन्होंने नसीहतें की हैं, मुझे मजबूरन माननी पड़ी। अच्छी बात है, मेरे घर की रौनक आ जाएगी, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर कब कर रहे हो तुम बात? कर लूंगा मामा। अरे भाई 24 घंटे तो फोन पर लगे रहते हो। ईमेल चेक कर रहा हूँ। अच्छा चलें मैं निकल रहा हूँ, बाय। हमाद बाय बाय। बाबा जल्दी से हाथ धो के आ जाए, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। जिस बच्ची को मैंने अपने घर में फूलों की तरह रखा वो आज अपने ही घर में मुलाजमा बन गई। बाबा मैंने ऑमलेट बना दिया और पराठे भी, कुछ और चाहिए तो बता दे मैं वो भी बना देती हूँ। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए शहजीन बेटा, लेकिन ये नाजी ने क्या काम से बिल्कुल ही हाथ उठा लिया? कल से तुम ही लगी हुई हो, हर काम तुम कर रही हो। अच्छा जब मैं सारा दिन सारे घर का काम करती थी तो मेरा ख्याल किसी को नहीं आता था, अपनी बेटी के लिए बहुत हमदर्दी जाग रही है। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, ना ही तुम्हारे मुंह लगना चाहता, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस कदर बदतमीज निकलोगी। बदतमीज इसीलिए ना कि सच कह देती हूँ जो आपको मिर्चों की तरह लग जाता है। भाभी प्लीज कुछ तो लिहाज रखिए। किसका लिहाज? इनका लिहाज? जिन्होंने सारी जिंदगी दूसरों का लिहाज नहीं रखा, हमेशा दूसरों को जूते की नोक पर रखा, उनका लिहाज करूं मैं? अब मैं दबने वालों में से नहीं हूं, का जवाब पत्थर से दूंगी। बकवास मत करो, दफा हो जाओ यहां से। बाबा भाभी प्लीज चली जाएं आप यहां से। ताया भू गुस्सा मत करें, आपका जो सजा दे रही आप मुझे दे दीजिए, लेकिन आप खुद को संभाल, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ताया भू मैं अच्छी तरह जान गया हूं तुम्हें, सारे ड्रामे समझ गया हूं। तुम हम बाप बेटों में झगड़ा कराना चाहती हो? ऐसा नहीं है, नहीं ताया अब आप गलत समझ रहे, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा, बल्कि अब तो मेरे अब्बू की जगह है। बस नाजी बस मत रो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं कब से ताया अब्बू से माफी मांग रही हूँ, लेकिन ताया अब्बू मेरी बात नहीं सुन रहे, मुझे माफी नहीं कर रहे। जैसे पत्थर इंसान के सामने रोने का कोई फायदा नहीं।
इन्हें तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे तो लगता है इन्हें खुशी होती है जब कोई इनके सामने रोता है। हाजर, मुझे अफसोस हो रहा है ये सोच करके तुम मेरे बेटे हो, यानी इसकी खातिर अपनी बाप की शफकत तुम्हें पाल पोस के पढ़ा लिखा के कहां पहुंचा दिया और तुम ये सिला दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए आदर तुम्हें। नाजी तुम आओ, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम रूम में चलो, तुम्हारे लिए नाश्ता मैं मंगवा लूंगा। बाबा आप यहां बैठ जाएं। बाबा आप परेशान हैं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं चूज लेती हूँ। बेटा मैं परेशान नहीं हूं, मुझे खुद को संभालना ही पड़ेगा तुम्हारे लिए। मैं तुमको इन जालिमों के रहम और करम पर नहीं छोड़ सकता। नूरी, तुम यहां बैठी हो, मैं तुम्हें बाहर देख रहा हूं। नूरी, अच्छा आई एम सॉरी ना, देखो प्लीज ये गुस्सा थूक दो ना। तुम जानती हो मैं गुस्से में होश खो बैठता हूं, और फिर आपको टॉर्चर करने के लिए भी सिर्फ मैं ही मिलती हूँ। अरे बाबा मुझे बिल्कुल याद भी नहीं है क्या हुआ था, मुझे इतना गुस्सा आता ना कि मैं मेरा दिमाग घूम गया था। अच्छा बस अगर मैंने कोई ज्यादती की भी है ना तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम्हारे सामने कान पकड़ता हूँ, प्लीज। अच्छा एक काम करता हूँ, इसका जुर्माना भरने के लिए भी मैं तैयार हूँ। आज मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी की तरफ लेकर जाऊंगा और फिर रात को हम खाना खाने जाएंगे, क्या कहते हो? आप सच कह रहे हैं? तुम्हारी कसम नौरी, और माची तो वैसे भी नंद की तरफ जा रही है अपनी, शाम तक तो नहीं आने वाली, तो आज हम सारा दिन इंजॉय करें, क्या कहती हो? तारिक मैं आपसे एक बात कहूं। बोलो। मैंने वाकई आपको एक्सेप्ट किया है अपने दिल से, मैंने खुले दिल से आपको कबूल किया है, लेकिन जब आप इस तरीके से गुस्सा करते हैं और मुझ पे हाथ उठा लेते हैं ना तो फिर मैं क्या करूं, मुझे भी बस गुस्सा आ जाता है। देखो ये गुस्सा ना मेरी कमजोरी है, प्लीज तुम्हें इस गुस्से से ना समझौता करना पड़ेगा। बोलो करोगी? आई लव यू सो मच नूरी। Thank you.
दो पीछे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ मेरा बेटा है। बेटा तो ये मेरा भी, फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने इसके पैदा होने की खबर तक मुझे नहीं दी। बहुत कमजोर हो तुम हानिया, तुमने एक बाप को उसकी औलाद से महरूम किया है। लेकिन फिक्र नहीं करो, नहीं हाथ लगाता। मैं एक बात तुम्हें बता दूं, मेरे घर भी बहुत जल्द औलाद आने वाली है। अच्छा, तो फिर क्यों आई हो इसके करीब? मैं तुम्हारा साया भी इस पे पड़ने नहीं देना चाहती। पहले कौन सा पढ़ने दे रही, पहले भी तो दूर रखा है इसको मुझसे। लेकिन मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और मैं तुम्हारे हालात समझता हूँ। अगर मुझे झूठा साबित करना ही था, इससे अच्छा मौका तुम्हारे पास नहीं था। अफसोस है तुम पर, पालो इसको खुद, अकेले नहीं शहीर के साथ। आवाज के धागों से खामोशी उलझती है, पालो ना, दर्द रुकता है, ना दर्द रुकता है, ना बार सुलझती है। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया तुमने, है मेरे नाम की लाज भी रख ली और मिर्जे को सबक भी सिखा दिया। बस एक काम रह गया जो सबसे जरूरी काम है नाजी, भाई साहब के कमरे में वो जो लकड़ी की अलमारी है ना, वहां पे वो घर के कागजात रखते हैं, ताले में होते हैं। लेकिन अगर वो कागजात तू मुझे दे देना तो फिर पूरे घर पे हमारा राज होगा और बुड्ढे को हम बाहर निकालेंगे। एक बात बताऊं, अब हमें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि वो बुढ़ा हाय हाय करते करते घर से भाग निकलेगा। कमाल हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन मम्मी, उस शहजीन का क्या करूं, अजाब बनकर आकर बैठ गई है। इसे एक बात बताऊं, आजर ने उसे बहुत टाइट करके रखा है, खूब खिदमतें करवा रहा है वो मेरी। तो बस मेरी बात सुनती रहे, ये चालें चलती रहे और बहुत जल्द पूरी हुक्मरानी हमारी होगी। और शहजीन की फिक्र क्यों कर रही है तू? मैं सोच रही हूँ कि भाई साहब के ऊपर दबाव डालकर उसकी तलाक करवा दूँ और फिर उसको अपनी बहू बना लूँ। है इतना आसान नहीं है, भाईजान मान जाएंगे? वैसे भी भाभी पर तो बहुत ही फिदा है। नाजी, मोहब्बत को नफरत में कैसे बदलते कोई मुझसे सीखे। है कितना मरता था, दीवाना था, मोहब्बत करता था तेरा आज़र हानिया से, अब क्या हाल है? बस उसी तरह से आमिर मुशाबा से इतनी नफरत करेगा कि अपने हाथों से धक्के मारकर इस घर से निकाल देगा। कोई नहीं, शुक्र है कोई नहीं है, मैं तो डर ही गई थी। हसी तू भी ना, हवा से हिला होगा दरवाजा भाई, इसे तुझे कितने दफा कहा है दरवाजे को चिटकनी लगा दिया कर, सुनती नहीं है। मुझे भी दिल का दौरा ही पड़ जाता। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब।
वालेकुम सलाम। मैं काफी देर से आई हुई थी, मैं चाह रही थी आपकी खैरियत पूछूं, लेकिन आप बाहर गए हुए थे। क्यों, तुम्हारी बेटी ने नहीं बताई मेरी खैरियत तुम्हें? भाई साहब, खुदा ना खास्ता मेरी नाजी से कोई गलती तो नहीं हुई? अरे गलती तो मुझसे हुई है रुबीना, मैंने उसको अपनी बहू बनाया। मैं ये भूल गया था कि वो तुम्हारी बेटी है। अच्छी तरह याद है, तुमने मेरे भाई को मुझसे बदसन किया और उससे लेकर अलग हो गई थी, याद है ना तुम्हें? बुड्ढे को सब याद है, लेकिन ये नहीं मानेगा कि ये खुद शुरू से नफसियाती है। भाई साहब, इतनी पुरानी बातें अब तो भूल जाइए ना। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, लेकिन मैं अपनी बेटी को वो गलती नहीं करने दूंगी। आप इस खानदान के बड़े हैं, सरपरस्त हैं, आपकी तो खिदमत और अताअत करना उसका फर्ज है ना। मुझे किसी की खिदमत की जरूरत नहीं है, मैं मोहताज नहीं हूँ किसी का, अपने काम खुद कर सकता हूँ। ये मैंने कब कहा भाई साहब? देखिए बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, तीर की तरह सीधा कर दूंगी मैं। दिल की बड़ी अच्छी है नाजी, बस थोड़ा सा दिमाग खराब है, वो सही कर दूंगी। आइंदा आपको उसे कोई शिकायत नहीं होगी, वादा कर रही हूँ। अच्छा वो बात तो छोड़े ना, शहजीन का बताएं, क्या सोचा है आपने उसके लिए? मेरी बच्ची तो बिल्कुल मुरझा के रह गई है। हाय भाई साहब, मेरा दिल मुरझा जाता है जब मैं उसको देखती हूँ, बड़ी अजियत में है, कुछ कर लीजिए। शहजीन मेरी बेटी है, तुमसे ज्यादा मुझे उसकी फिक्र है। अभी मैं वकील के पास से ही आ रहा हूं, बुला के पेपर तैयार हो जाएंगे चंद दिन में, बस उसकी जान छूट जाएगी। ये तो बहुत समझदारी का फैसला लिया आपने भाई साहब, बस उसका खुला हो जाए तो छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन दो तीन बड़े अच्छे घराने मेरी नजर में है और उनके उनके लड़के कवारे हैं, अगर आप इजाजत दें तो। मैं भी यही चाहता हूं कि इस फर्ज से जल्द अज जल्द सुबुकदोश हो जाऊं, ताकि मेरी बेटी अपनी आने वाली जिंदगी सुकून और चैन से गुजार सके और फिर मैं चैन से मर सकूं। इंशाल्लाह। और शहजीन की फिक्र क्यों कर रही है तुम? मैं सोच रही हूँ कि भाई साहब के ऊपर दबाव डालकर उसकी तलाक करवा दूँ और फिर उसको अपनी बहू बना दूँ। कितनी खतरनाक है आमिर की माँ बहन, दूसरों की जिंदगी से खेलना इनके लिए मामूली बात है। मेरे साथ वैसा न कर सकती, जो खतरनाक मंसूबे मेरे खिलाफ बना रही, मुझे उन्हें तोड़ना पड़ेगा। मैं अब उन्हें और ढील नहीं दे सकती, मुझे आमिर को सब कुछ बताना पड़ेगा। जो बातें मैंने रिकॉर्ड की मैं आमिर को दिखा दूंगी, उसे भी तो पता चले कि उसकी माँ बहने हमारा घर पर बात करना चाहती है। अभी मैं वकील के पास से ही आ रहा हूँ, बुला के पेपर तैयार हो जाएंगे चंद दिन में, बस
की जान छूट जाएगी। ये तो बहुत समझदारी का फैसला लिया आपने भाई साहब। बस इसका खुला हो जाए तो छोटा मोल बड़ी बात, लेकिन दो तीन बड़े अच्छे घराने मेरी नजर में है और उनके उनके लड़के कवारे हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं भी यही चाहता हूँ कि इस फर्ज से जल्द अज जल्द सुबुकदोश हो जाए, ताकि मेरी बेटी अपनी आने वाली जिंदगी सुकून और चैन से गुजार सके और फिर मैं चैन से मर सकूं। तो ये देखें, ये एक ये सूट समझ आ रहा था और एक ये बहुत फिट है यार, है ना? हाँ, ये फाइनल कर दिया ना तुमने? फाइनल आपसे पूछ के करूंगा। ये कर दो फाइनल, बहुत बेहतरीन है। और दूसरा ये था ना, ये वाला, बस ये दोनों फाइनल करो। डन, परफेक्ट। बाकी सारी तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं? बहुत कुछ हो गया, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें रह गई हैं, वो ही नहीं रही। वो छोटी छोटी चीजें एंड में रह जाती हैं, बहुत कम टाइम है, कर लो। बात हो गई आपकी? किससे? आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप शहजीन को कॉल करेंगे और वो शादी में शरीक होगी। शहजीन को? हाँ, एक्चुअली मामा और हानिया बजिद हैं कि मैं शहजीन से बात करूं और अगर वो मान जाए तो शादी में शिरकत भी कर लेगी। बहुत अच्छा हो जाएगा अगर वो आ जाए। मेरी बहन ही नहीं, बहुत अच्छी दोस्त भी है, उसके बगैर खुशी अधूरी सी लगती है मुझे। तो बस फिर ठीक है, आप इसी वक्त हम दोनों के सामने शहजीन को कॉल कर रहे हैं। अभी? जी जी जी, अभी। ओके, ट्राई कर लेता हूँ। नंबर ऑफ। ऑफ जा रहा है, हो सकता है उसकी बैटरी डेड हो गई हो। ना, बड़ी केयरलेस है वो, टाइम पे चार्ज नहीं करती फोन। जब यहाँ थी तब भी ऐसे ही करती थी। आप बाद में दोबारा ट्राई कर लीजिएगा। एक कप, दो कप, सॉरी, दो कप चाय पिला दोगे? जी। अच्छा ये देखे ना, ये लेपल पिंस भी मुझे बता दें कौन सी जाएगी सूट के साथ। ऑप्शंस निकाली हैं? अम्मी ने कहा था ताया जी की अलमारी से पेपर्स निकाल, मगर कैसे निकालूं? चाबियां तो हर वक्त उनके पास होती, सोते वक्त निकाल नहीं सकती, मगर वो तो इतनी गहरी नींद सोते भी नहीं, जरा से खटके से जाग जाएं। नाजी, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, वो किचन में बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए फिर यहाँ आकर बैठ गई। किचन में? तुम किचन में क्या करने के लिए गई थी? खाना बनाने के लिए हाजिर, और क्या करने जाते हैं? अरे बाबा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। शहजीन खाना बना लेती ना। शहजीन अपने कमरे से सुबह से नहीं निकली, अब खाना तो बनेगा ना। तो ये शहजीन भी ना, इतने प्यार से समझाया उसको कि घर के काम काज में तुम्हारी हेल्प करे, उसको समझ ही नहीं आ रही। छोड़े, आप मत सोचा करें ये सब चीजें, मैं हूं ना, आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बनाती हूं। कोई जरूरत नहीं है चाय वाय बनाने की, आराम करो, मैं चाय खुद बना लूंगा। चलो आओ। लेकिन कोई बात नहीं, आ जाओ। पांच दिन, सिर्फ पांच दिन रह गए। किस चीज में? तुम्हें मिसेज शहीर बनने। शहीद तुम भी ना, मुझे लगता है सिर्फ दिन गिनते रहते हो उंगलियों पर। गिन गिन के थक गया हूँ यार, गिनती खत्म ही नहीं होती, जब भी दिन गिनता हूँ कुछ दिन और रह ही जाते। बस कर दो, उंगलियां ना घिस जाए दिन गिन गिन के। तुम्हारे प्यार में ना ये भी गवारा। वैसे लोग प्यार में तारे गिनते हैं, तुम दिन गिन रहे। अलग है ना मेरा प्यार, थोड़ा मुख्तलिफ। ये तो बाद में पता चलेगा।
तुम्हें यकीन नहीं है? यकीन तो है, मगर लोग कहते हैं कि जब कोई चीज इख्तियार में ना हो तो उसको पाने की बेताबी रहती है, और जब इख्तियार में आ जाए तो बेताबी खत्म हो जाती है। लोगों को छोड़ो, मेरी आंखों में देखो, मेरा प्यार झूठ लगता है। नहीं शहीर, मगर मैं डरती हूँ। अब आसर भाई को ही देख लो ना, हानी से कितनी मोहब्बत करते थे और अब उसे कहीं ज्यादा नफरत करते हैं। दूसरों के कहने में आकर उन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं आसर भाई जैसा नहीं, मुझे उनसे मत मिला। हमेशा से कान के कच्चे थे, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी का फैसला कभी किसी के हाथ में नहीं दिया। इसके सिवा और कुछ नहीं कहूंगा कि मेरी जिंदगी अब बस तुम पे ही खत्म होगी। जी कहे। अरे मेरी शुगर डाउन हो रही है, कुछ खाने को ला दो। अभी तो आपको चाय के साथ बिस्किट दिया था। अरे कैसी बातें कर रही हो, चाय बिस्किट से पेट भरता है क्या? आपका पेट वैसे भी कुआं है, जितना भी खिला दो कम पड़ता है। मैं अभी अभी फ्रेश होकर आई हूँ, किचन में दोबारा जाऊंगी तो मुझे पसीने आ जाएंगे। एक काम करें, अगर आपको कुछ खाना है ना, जाके खुद पका ले और खा ले। अरे बेटा मैं बीमार औरत कैसे जाऊंगी किचन में, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, चक्कर आ रहे। नूरी तुम बना दो जाके। बीमार औरत और आप, बीमारी का ढोंग करती हैं सिर्फ। आपका मकसद था मुझे नौकरानी बनाना, वो आपने बना के रख दिया है। जिंदगी अजाब हो गई है जब से मैं इस घर में आई हूँ, कहीं चली क्यों नहीं जाती हैं? जीना हराम करती है इस घर। तुम्हारी ये हिम्मत मेरी बहन से बदतमीजी करेगी तो ज़बान काट दूंगा मैं तेरी। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पे हाथ उठाओ? मेरे माँ बाप ने भी मुझे कभी नहीं मारे और तुम बात बात पे मुझे मारते हो। तभी तो तू इतनी बदतमीज और बदलिहाज है। माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया तुम्हें? हाँ हूँ मैं बदलिहाज और बदतमीज, तुम जैसे बड़े दूध के दूल्हे हो। हाँ बहुत शरीफ इंसान हो ना। चुप करती हो क्या? कौन लगा? खबरदार खबरदार, अगर एक उंगली भी उठाई मेरी तरफ तो अच्छा नहीं होगा। जा रही हूं मैं अपनी अम्मी के घर। घर से एक कदम भी बाहर निकाला ना, टांगे तोड़ दूंगा मैं तेरी। अच्छा खासा मूड बनाकर आया था, डिनर पे लेके जाऊंगा, सी सेट जाऊंगा, लेकिन तुम डिजर्व ही नहीं करती। बाहर जाएगी तू। हेरा छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे मेरी शहजादी बेवक्त सो रही है आज। सोने रही थी बाबा, बस तबीयत कुछ सुस्त हो रही है। हाँ बेटा जानता हूं, उस नाजी की बच्ची ने सारे घर के काम तुम्हारे सर पर जो डाल दिए। ऐसी बात नहीं है बाबा, अब आदी हो गई हूं मैं इन कामों की, कामों से नहीं थकती मैं।
लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम सारे घर के काम करो और उन लोगों की बातें भी सुनो। इसलिए मैंने फैसला किया है। कैसा फैसला? हम्माद से तुम्हारी तलाक कराऊं और तुम्हारी बहुत अच्छी जगह शादी कराऊं ताकि तुम शहजादियों की तरह रहो। ये मैंने तलाक के पेपर तैयार कर दिए। बस बेटा तुम इन पर साइन कर दो। क्या हुआ बेटा? बाबा मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। हैं? तुम्हें अभी भी वक्त चाहिए? उसने तुम्हें पूछा तक नहीं, ना ही सुलह की कोई कोशिश की, तुम अब भी उसका इंतजार कर रही हो? बाबा मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो मुझे पूछे या ना पूछे। और इन पेपर्स पे साइन करने या ना करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी अब अकेले गुजारनी है। तुम्हारा शादी नहीं करनी। अरे बेटा अकेले रहे तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, हंसी खुशी अपनी नई जिंदगी गुजारो और भूल जाओ सब कुछ जो कुछ हुआ। पापा प्लीज प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए। बेमौल वफा